नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में, और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 10 नवंबर 2024, दिन है रविवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और खेल रहे हैं, वो तो अब तक एक्सपर्ट बन ही गए हैं। आप सब जो नए आए हैं, आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर हम सबका प्रिय न्यूज़पेपर, जो कि खबरें तो हमको देता ही है, साथ ही समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे क्विजेस लाता रहता है जो कि हमारे जनरल नॉलेज को बढ़ाते हैं। साथ ही लकी ड्रॉ में एंटर करके हम कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। मैं अपने सभी वीडियो जो है आपकी जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी के लिए बनाता हूँ। कोई भी वीडियो मैं अपने आंसर देने के लिए ना मैंने कभी बनाया ना कभी बनाऊँगा, बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में रहता है। बाकी इसका शॉर्ट वीडियो भी, जिनको केवल आंसर से मतलब होता है, वो आपको चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा इस वीडियो के एक घंटे के अंदर में। तो ये क्विज़ है दैनिक भास्कर वालों का, नाम है भास्कर फैमिली क्विज़। इसको खेलने के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना होता है, दूसरे फ़ोन के कैमरा से आप इसको करेंगे। स्क्रीन पर ही आपको एक छोटा सा लिंक दिखाई देता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे, अपनी डिटेल्स भरेंगे, क्वेश्चन के आंसर सबमिट करेंगे, लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएंगे। या फिर एक तरीका इसमें ये भी है, सेकंड ऑप्शन में ये जो आप नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर को सेव कर लीजिएगा दैनिक भास्कर फैमिली को इस नाम से। कोई मिस कॉल नहीं करनी है आपको, व्हाट्सएप पे जाइएगा, वहाँ पर आपको जो है क्विज़ लिख के भेजना है। क्विज़ आप लिख के भेजेंगे, वहीं पर ही आपको व्हाट्सएप पर ही मैसेज आ जाएगा जिसमें एक लिंक होता है, उस पर आप क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे। वहाँ भी सेम आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी। इसमें जो है 10 विजेता चुने जाते हैं, 2100 रुपये मूल्य का उपहार मिलता है। क्या मिलता है वो दैनिक भास्कर वाले आपको फ़ोन करते हैं, जिस दिन विजेता लिस्ट में नाम आता है उस दिन या उसके अगले दिन, यदि नहीं आता है तो विदिन 1 वीक आपके पास फ़ोन आ जाएगा, तो वो आपको बता देंगे कब क्या और कैसे आपको मिलेगा। कोई इसकी टाइमिंग की बात करें तो रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है, तो आज रात को इसको आप 11:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। जल्दी खेलने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेट खेलने से कोई लॉस नहीं होता है। हर कोई इसकी अपनी टाइम पीरियड होता है, उस टाइम लाइन में टाइम पीरियड में आपको खेल लेना होता है। चांसेस बढ़ाने के लिए आपके पास जितने फ़ोन नंबर हैं सब नंबर से खेलिए, अलग अलग समय पर खेलिए, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से अलग अलग नंबर से आप खेलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज आपकी वहाँ जाएंगी तो आपके उतने अधिक चांसेस बढ़ जाएंगे जीतने के। ये जो है आपको 5 क्वेश्चन दिखाई देंगे, MCQ फॉर्मेट में होते हैं, 4 ऑप्शंस के साथ में। अभी जो है कोई खेलेंगे उससे पहले जो है मैं आपको विजेताओं के नाम बताऊंगा। आज कोई 103 है, 102 के जवाब आए हैं पिछले सप्ताह के, यानी कि प्रथम प्रश्न का सही जवाब है ए वाराणसी, दूसरे वाले का ए महर्षि गौतम, तीसरे वाले का डी राजस्थान, चौथे वाले का सी अकबर, पाँचवें वाले का डी तुर्की है। यही मैंने आपको बताए थे और यही करेक्ट आंसर दे के रेंडमली जो भी रेंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा सेलेक्ट होते हैं लकी ड्रॉ सिस्टम में, लकली जिनका नाम आता है, क्योंकि लकी ड्रॉ का नाम ही है लक का ड्रॉ, तो जिस दिन भाग्य साथ दे जाएगा जिसका वो जीत जाएगा। अनिल कुमार पहला नाम है इसमें, ये जो है मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं 31308। अगला नाम है ज्योत्सना मिश्रा 7648676486। कंचन देवी हैं 57003 57003। ओम प्रकाश चौबे हैं 0728072378। परेश कुमार हैं 45150 45150। राजेश्वर प्रसाद हैं 21685216 85। राकेश शर्मा 52021520 21। सुनीता हैं 06826068826। सुनीता जैन हैं 9640969640। और रवि जाट हैं 8884885 84। तो ये सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई, आपको दैनिक भास्कर की टीम कांटेक्ट करेगी जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप जहाँ से हमको इस खेल के सबमिट करेंगे वहीं चल के खेलते हैं, क्योंकि उससे आपको जो है चेक भी हो जाएगा कि मैंने आपको जो है करेक्ट आंसर बताएं या नहीं बताए हैं, तो आप चलते हैं उसी पेज पर। तो ये देखिए जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे रीडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर वही डिटेल्स लिखी हुई हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, 2100 रुपये, 5 प्रश्न 10 विजेता। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर भरना होता है, आपका नाम, जेंडर में पुरुष महिला मेल फीमेल, उम्र में जो भी आपकी आयु हो आधार कार्ड पर,
राज्य चुनेंगे, जो सभी राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खोल के आ जाती है, जो कि आप यहाँ से खोल के सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा आज का प्रथम प्रश्न। भारत का राष्ट्रगान जनगणमन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? ए हिंदी, बी बांग्ला, सी तमिल या डी उर्दू। तो इसका करेक्ट आंसर, उचित उत्तर, सही जवाब होगा ऑप्शन बी बांग्ला। बहुत सिंपल है, अभी कुछ दिन पहले ही ये किसी क्विज में आया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। इनका जो ग्रंथ है एक भारतो भाग्यो विधाता, भारतो भाग्यो विधाता, उससे ये लिया गया है। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें गाया गया था 27 दिसंबर 1911। और इसे जो है राष्ट्रगान के रूप में हमारे भारत के अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950। और 52 सेकंड में गाया जाता है, 52 सेकंड में। और रविन्द्रनाथ ठाकुर को जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर ठाकुर बातें की है, नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। दूसरा प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? ए शिमला, बी पणजी, सी जोधपुर या डी जयपुर। बहुत सिंपल है, ये भी कुछ दिन पहले आया था, पता नहीं इतने सिंपल प्रश्न क्यों आ रहे हैं। जयपुर होगा इसका, इसके बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ, ज़्यादा है नहीं बताने को। राजा आए थे उनके लिए, वहाँ के राजा ने जो है पेंट किया था, विदेश से प्रिंस आए थे उनके लिए, तो गुलाबी शहर देख के उन्होंने कहा था पिंक पिंक है, तो इसलिए पिंक सिटी हो गया, पिंक मीन्स गुलाबी, गुलाबी नगर हो गया। तीसरा है, उबेर कप का संबंध इनमें से किस खेल से है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी पहले आ चुका है। वॉलीबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस या बैडमिंटन। बेड में डबल मात्रा होती है, बेड लिखा हुआ है, बेड जो जिस पे हम सोते हैं ना, वो वाला बेड लिखा हुआ है, बुरा वाला जो बेड होता है, इसमें बैडमिंटन में डबल मात्राएं होती है, आई थिंक डबल होनी चाहिए थी। तो करेक्ट डी ही होगा इसका आंसर, बैडमिंटन 1957 में इस कप की स्थापना की गई थी, 1957 में। महिलाओं से जुड़ा हुआ है, केवल महिलाएं खेलती हैं, उसमें जो कप मिलता है उसको बोलते हैं उबर। ये उबेर नहीं होता है, उबर होता है, उबर, ओला उबर वाला नाम सुना होगा ना, कैब जिन की चलती है ओला उबर, वो वाला उबर होता है, UBER। और ब्रिटिश महिला थी एक बैडमिंटन की खिलाड़ी, बिट्टी उबर, उनके नाम पर इस कप का नाम रखा गया है, बिट्टी उबर के नाम पर। और यदि कहीं पर प्रश्न आता है पुरुषों वाला, पुरुषों से जुड़ा हुआ जिसमें बैडमिंटन की बात की जाए, तो उनको जो कप दिया जाता है उसको बोलते हैं थॉमस कप, थॉमस कप। और चीन को कहते हैं सबसे सफल देश है इस कप के मामले में, यानी कि सबसे ज़्यादा बार इनको मिला है, सबसे अधिक बार, जो कि 15 से ज़्यादा बार ये चीन देश की महिलाएं जीत चुकी हैं। ये आई थिंक 3 साल में होता है, एवरी आफ्टर 3 ईयर्स। और वहाँ की फॉरेन की एक लेडी हैं HS उबर, उन्होंने 1956 में करा था, 1956 में, कि हर 3 साल में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी, इंटरनेशनल कंपटीशन होगा, जिसमें ये कप महिलाओं को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, रोमियो एंड जूलियट के लेखक इनमें से कौन है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, पता नहीं क्यों इतने रिपीटेड आ रहे हैं, जनरल नॉलेज तो बहुत है संसार में। ए मार्क ट्वेन, बी चार्ल्स डिकेंस, सी विलियम शेक्सपियर, डी जेन ऑस्टेन। तो विलियम शेक्सपियर होगा, इस पर जो है मूवी भी बन चुकी है, आई थिंक विशाल भारद्वाज ने बनाई थी, हमारे बॉलीवुड के हैं। एक तो मूवी ही आई थी रोमियो जूलियट नाम से, 2015 की है आई थिंक वो, और बाकी हॉलीवुड में तो इस पे मूवी बनी ही है, रोमियो उसका नाम आई थिंक इंडियन रोमियो एंड जूलियट है, 1912 की है अमेरिका की मूवी। विशाल भारद्वाज ने इस पर किस नाम से बनाई है मुझे ध्यान नहीं आ रही है, आप में से किसी को मालूम है तो बताइएगा, क्योंकि कई मूवी उन्होंने बनाई हैं विलियम शेक्सपियर के इस पे, नॉवेल्स पे, जैसे ओमकारा जो है वो ओथेलो से बनाई गई है, विलियम शेक्सपियर का ही है ओथेलो, उससे बनाई गई है ओमकारा, 2006 में आई थी। मकबूल जो है वो मैकबेथ से ली हुई है, एडेप्टेशन है मैकबेथ का, 2003 में आई थी। और एक हैदर आई थी, वो कश्मीर से जुड़ी हुई है, हैमलेट से जुड़ी हुई है वो, हैमलेट से हैदर, 2014 में आई थी, शाहिद कपूर जिसमें थे। बाकी ये वाली मूवी का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप
में से किसी को मालूम है तो बताइएगा कमेंट करके। पांचवा अंतिम प्रश्न है, घोंसला बनाकर रहने वाला सांप इनमें से कौन सा है? ये भी बहुत पहले आ चुका है प्रश्न, करेथ, किंग कोबरा, अजगर या धामन। तो ये किंग कोबरा होगा ऑप्शन बी, हमारे भारत में पाया जाता है, मेन ऐसी एक मतलब प्रजाति है स्पेशली जो अपने भारत में पाई जाती है, बाकी आसपास भी कुछ जगह पाई जाती है। और कहते हैं सांप की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, वो भी पेड़ के ऊपर। चिड़ियों का घोंसला तो आपने बहुत सुना होगा, अपने जो ये अंडे देते हैं, अंडे में से इनके बच्चे निकलते हैं, तो उन अंडों को सुरक्षित करने के लिए बनाते हैं। और कहते हैं 6 से 8 दिन इसमें लग जाते हैं, और एक बार में जो है मादा किंग कोबरा 25 से 30 अंडे देती है। और मोस्टली जो है भारत में इसकी प्रजाति, जैसे मैंने आपको बताया, भारत में ही पाई जाती है, जो कि साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में पाई जाती है। इसके साथ ही म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल में भी इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये थी बात आज के क्विज की। अब जो है एक बार टैली कर लेते हैं, सबमिट करने से पहले 4-5 बार अच्छे से चेक कर लिया करिए, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया फिर कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो पहले वाले का हुआ ऑप्शन बी बांग्ला, दूसरे वाले का डी जयपुर, तीसरे वाले का डी बैडमिंटन, चौथे वाले का सी विलियम शेक्सपियर, और पांचवें वाले का बी किंग कोबरा। ये हो गए आज के आंसर, यानी कि बी डी डी सी बी। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, यदि करेक्ट बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। टच कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। बधाई मैसेज मिल गया, वेल्डन शर्मा जी आपने सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं, लकी डॉ राउंड में पहुंच गया हूं मैं, 2 पर 12 बजे तक लाइव रहेगी, लकी डॉ होगा, प्रतीक्षा करिए। इसमें देखिए 2 पर 12 बजे तक लिखा है, जबकि वहां मैंने आपको दिखाया था रात्रि में 12। तो अब जो है पहले ये 12 बजे तक दोपहर में लाइव रहता था, अब रात में 12 बजे तक लाइव रहता है, तो आराम से इसको आप रात में 11:59 तक खेल सकते हैं। मन में डाउट हो दोपहर तक खेल लीजिए, बाकी चांसेस बढ़ाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपके पास घर में जितने भी फ़ोन नंबर हैं सभी नंबर से अलग अलग समय पर खेलिए, किसी से सुबह, किसी से दोपहर, किसी से शाम, किसी से रात, इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। जितनी ज़्यादा आपकी एंट्रीज जाएंगी ना उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे। आपने सब नंबर से एक ही समय पर खेल लिया तो उससे आपके चांस चले जाएंगे, सब नंबर से अलग अलग समय पर खेलिए, क्या पता किस समय लग साथ दे जाए, क्योंकि लकी डॉ से चुने जाते हैं ना, इसमें हजारों लाखों जनों भाग लेते हैं, तो जिसका भी लक साथ दे जाएगा वो जीत जाएगा। तो आपको खेलना डेली है, मतलब जो कोई आए ना सब खेलिए, हर क्विज को खेलने का एक तरीका होता है, टाइम पीरियड होता है। अब कोई आंसर बताने के लिए वीडियो बनाता है ना, मोस्टली आंसर बताने के लिए बनाते हैं। अब उनको क्या है, 3 मिनट में उनने वीडियो बना दिया, लोगों ने 30 सेकेंड में आंसर दे दिए, तो वो थोड़े ना विजेता बन जाएंगे। दैनिक भास्कर वालों को पता चल जाता है किसने कितनी देर में आंसर सबमिट किए, है ना, तो वो भी जानते हैं कि 30 सेकंड में 5 प्रश्न पढ़ना, उनके उत्तर दे देना, ये तो मशीन ही कर सकती है और हम तो मशीन है नहीं, है ना। तो इसलिए जो भी कोई खेलें उस होम पेज पर रुकें 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद आंसर सबमिट करें। माना आपको आंसर मालूम है, आपने नोट कर रखे हैं मन में या अपने किताब में, कॉपी में कहीं भी, तो उसको आप होम पेज पर रुकिए थोड़ी देर, जैसे आप कुछ पढ़ते हैं कुछ देते हैं तो स्क्रीन ऑन रहती है, उतनी देर 5 से 10 मिनट रोकिए, उसके बाद आंसर सबमिट करिए। तो वो ये भी एक टिप ट्रिक आइडिया है आपके जीतने के लिए, ये भी आपको हेल्प करेगा। यही मैं अपने वीडियो में बताता रहता हूँ, जो पूरा देखते हैं सुनते हैं उनकी हेल्प होती है, हमारे चैनल से पहले भी बहुत लोग जीते हैं, आगे भी जीतेंगे डेफिनेटली। तो ये सब चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, वरना खेल तो हजारों लाखों जने रहे हैं सालों से, कुछ नहीं जीते। यही कारण है कि 3 मिनट की किसी की वीडियो देखी, 30 सेकंड में उन्होंने आंसर दे दिए, इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, ऐसे थोड़े ना होता है। तो इसलिए मैं आंसर बताने के लिए वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, ना कभी बनाई है ना कभी बनाऊँगा। मैं आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए बनाता हूँ, जो कि आपकी कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी में हेल्प करती है। आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर करेंगे, उसमें आपकी हेल्प होगी, साथ ही सभी ऑफलाइन कोर्स की तैयारी में भी, क्योंकि वहाँ केवल आपका ज्ञान ही आपकी सहायता कर पाएगा, आपकी मदद कर पाएगा। तो अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाएं, पढ़ते रहें, ज्ञान तो वैसे ही बहुत आवश्यक होता है। तो बाकी ये तैयारी मतलब अपनी करते रहें, पढ़ने को बहुत कुछ होता है, बहुत वास्ट है जनरल नॉलेज तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, कम पढ़िए अच्छा पढ़िए, ऐसा जो याद रहे बिना ऑप्शन के ही आप उसका आंसर दे सकें। और बाकी जिनको केवल आंसर से मतलब होता है उनका भी मैं ध्यान रखता हूँ, उनका उनके लिए शॉर्ट वीडियो भी चैनल पर आपको मिल जाएगा, हमारे इसी चैनल पर इस वीडियो के 1 घंटे के अंदर, तो वो देख सकते हैं, मजे से गाना सुनिए आंसर दीजिए, बाकी ये उनके लिए जो मेहनत से जीतना चाहते हैं। तो अपनी तैयारी करते रहें, बाकी
आशा है आपको अच्छे से बता पाया होगा और आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जीके के लिए आपको चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो कि आपकी जीके की तैयारी में हेल्प करेंगे, और क्विज के वीडियो हैं तो आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपना अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक ए शर्मा, आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।